नमस्कार दोस्तों, एक्यूप्रेशर संजीवनी के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस प्रोग्राम में मैं जगमोहन सचदेवा एक्यूप्रेशर में किस तरह से करते हैं इन बॉल्स का इस्तेमाल और क्या सिग्निफिकेंस है इनके रंगों का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है कि हमें कोई भी बॉल का इस्तेमाल करना है तो ये हाथ की जो हथेली है इसके सेंटर में इस तरह से रोटेट करके करना है। ये रोटेशन करनी है हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए। कब? खाना खाने से 20 मिनट पहले, मींस नाश्ते से 20 मिनट पहले, लंच से 20 मिनट पहले, डिनर से 20 मिनट पहले। और इसे रोटेट करना कितनी देर के लिए है? सिर्फ 2 मिनट के लिए। अगर आप अपने क्लाइंट पे यूज कर रहे हैं तो इस तरह से करना पड़ेगा, और अगर अपने आप पे यूज कर रहे हैं तो अपने दोनों हाथों पर इस तरह से इसे यूज करना पड़ेगा। ये बॉल्स 5 रंगों की होती हैं। इसमें सबसे पहला येलो कलर। जो येलो कलर है इसे किस लिए यूज किया जाता है? येलो कलर पृथ्वी तत्व का माना जाता है, अर्थ एलिमेंट का माना जाता है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से। पृथ्वी का काम है रोकना, रोकने की क्षमता को बढ़ाना। तो यानी जब आप इस बॉल को रोटेट करते हैं तो जो पर्सन को मोशन कंट्रोल नहीं होता, यूरिन कंट्रोल नहीं होता, या जिन लोगों को बार बार मोशन आता है, हर बार खाना खाने के बाद मोशन जाने की इच्छा होती है, बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है, तो उन लोगों को येलो बॉल इस तरह से खाना खाने से 20 मिनट पहले 2 मिनट के लिए इस्तेमाल करनी है। होल्ड करने की पावर चूंकि येलो बॉल में, अर्थ एलिमेंट में है, तो जिन लोगों को हेयर फॉल की ज्यादा समस्या है उन्हें भी येलो बॉल का इस्तेमाल करना चाहिए। पृथ्वी तत्व, अगर जिन लोगों का वजन बहुत कम है तो उनका वजन बढ़ाने में भी मदद करेगी ये बॉल। इसके बाद दूसरी बॉल पे चर्चा करते हैं, ब्लू बॉल। जो ये ब्लू बॉल है ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से हमारे शरीर के अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है। अग्नि का काम है हमारे अंदर अग्नि को प्रदीप्त करना। यानी जिन लोगों की जठर अग्नि मंद है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो है, फैट बढ़ रहा है जिनके शरीर में, जिनको भूख कम लगती है, प्यास कम लगती है, ये सब अग्नि की कमी को बताते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, अगर किसी व्यक्ति के रोग सर्दियों में बढ़ जाते हैं तो उन्हें इस ब्लू बॉल का उपयोग जरूर करना चाहिए। ब्लू बॉल हमारे शरीर की अग्नि को मेंटेन करती है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल और शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। इसी के अपोजिट में आए अगर तो ग्रीन बॉल आती है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से ग्रीन बॉल को हम लोग जल तत्व के अंडर मानते हैं। तो ये इस तरह से आपने ग्रीन बॉल को भी रोटेट करना होता है खाने से 20 मिनट पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए। चूंकि ये जल तत्व है तो अग्नि का अपोजिट हो गया, जिसको खूब ज्यादा भूख लगती है, खूब ज्यादा प्यास लगती है, गर्मियों में जिसके रोग बढ़ जाते हैं वह ग्रीन बॉल का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखें, जिन लोगों को एसिडिटी है, जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन रहता है, बैड ब्रेथ फ्रॉम माउथ है, या ब्लीडिंग गम्स की समस्या है, उनको हमेशा ग्रीन बॉल का उपयोग खाने से 20 मिनट पहले 2 मिनट के लिए करना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें पिंक बॉल की, तो जो पिंक बॉल है ये है रिप्रेजेंट करती है मन को। यानी जितने भी मन संबंधी रोग हैं, टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इंसोमनिया है, तो उन सबको पिंक बॉल का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर अपने ही मन पर कंट्रोल नहीं है तो उस केस में भी पिंक बॉल का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि अगर एक पेशेंट है, उसको शुगर है और मीठा खाने का बहुत मन करता है और कंट्रोल नहीं है मन पर, तो उसे पिंक बॉल का इस्तेमाल करवाइए। इसी तरह से अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं और खूब तला खाने की इच्छा होती है, खूब हैवी खाना खाने की इच्छा होती है, खूब बाहर का खाना खाने की इच्छा होती है, तो पिंक बॉल का उपयोग करेंगे। जो रेड बॉल है इसका काम है दिशा का। यह चीजों को वापस ट्रैक पर लाती है। अगर कोई ऑर्गन आपका डिस्प्लेस्ड हो गया है, नाभि अपनी जगह से खिसक गई है, यूट्रस अपनी जगह से खिसक गया है, तो खाने से 20 मिनट पहले रेड बॉल का उपयोग करना चाहिए 2 मिनट के लिए। इस वीडियो में आपको इन एक्यूप्रेशर बॉल्स के